देश को लगातार चमत्कार से चलाने की कोशिश होती है, चमत्कार दिखाया जाता है। जब जिस पाखंडवाद आडंबरवाद की आप लगातार बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं साइंस की बात होना, आप एक प्रोफेसर हैं, आप शिक्षा के तरीके से देश को समझाना चाहते हैं, तो यह शिक्षा और आडंबर पाखंडवाद क्या है, थोड़ा इसका विश्लेषीकरण करें आप। इस देश के लोग बहुत इनोसेंट हैं और इनोसेंट इतने ज़्यादा लोग हैं कि हम जो हमारी परंपराएँ और हमारी संस्कृति उस पर हम गर्व महसूस करते हैं। तो एक ऐसा मतलब शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंतर मन को जागृत करती है, एक हमको बुद्धि संगत ढंग से विवेक संगत ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब शिक्षा का स्तर ही बहुत नीचे होगा तो स्वाभाविक तौर पर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि आज इसकी ज़रूरत है कि हम जो शिक्षा का स्तर है उसको ऊपर उठाएँ और एक जो अतीत का जो गौरवशाली अतीत है उसके जो स्वर्णिम अध्याय हैं उनको आने वाली पीढ़ियों को बताएं, ना कि उन तत्वों को उनको फोकस करें जिसकी वजह से हमारा समाज दिन ब दिन और गिरता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर MP अहिरवार लिखता हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पिछले 25 सालों से प्रोफेसर के पद पर हूँ। जी, क्या लग रहा है शिक्षा का स्तर है जो बेहतर हो रहा है या इस वक्त कम हो गया है? बहुत कम हो गया है और दिनों दिन वो और बद से बदतर होता जा रहा है। जी, पिछले खास करके 2014 से बहुत ज़्यादा शिक्षा का लेवल, चाहे वो प्राथमिक एजुकेशन हो, माध्यमिक एजुकेशन हो या फिर विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, उसमें गिरावट आई है, बहुत ज़्यादा हद तक गिरावट आई है। लगातार देखने में आता है कि जो शिक्षा का स्तर, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो कौन सा शिक्षा का ऐसा शेरनी का दूध है जो लोग दहाड़ना कम कर दिए हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है उसका और कैसे हो पाएगा ये? सबसे बड़ी वजह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमने जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको अडॉप्ट नहीं किया है। हमारी शिक्षा प्रणाली अब भी परंपरागत उसके जो अंधविश्वास कर्मकांड और उससे प्रेरित होकर के है। तो इस एक तरफ हम जो दिखाते हैं कि जो चमत्कारिक जो चीज़ें हैं उन पर विश्वास करते हैं और छात्रों को दूसरी तरफ हम साइंस की शिक्षा भी देते हैं। तो जब तक हम अंधविश्वास कर्मकांड को साइंस के पैमाने पर नहीं रखेंगे तब तक वो अंधविश्वास कर्मकांड फलता फूलता रहेगा और जो हमारी नई जनरेशन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी रूढ़ियों के चक्कर में फंसी रहेगी, अंधविश्वास के चक्कर में फंसी रहेगी। तो शेरनी का दूध से तात्पर्य है कि हमारी शिक्षा ऐसी हो जो मानव कल्याणकारी हो और वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ हो, तो उससे समाज का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी, जैसा कभी विश्व गुरु की जो परिकल्पना थी बौद्ध बुद्धिज्म के काल में, सम्राट अशोक के काल में, वह सपना साकार हो सकेगा। तो एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसकी बात की जानी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर ने बौद्ध एंड धम्मा लिखी थी, क्या जरूरत पड़ी थी बाबा साहब को बौद्ध एंड धम्मा लिखने की? और दुनिया के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट बताए जाते हैं वह कहलाता है तथागत गौतम बुद्ध हैं, तो तथागत गौतम बुद्ध का ये देश क्यों नहीं बन पा रहा है जबकि उसके अंदर ना कोई चमत्कार है, ना कोई दिखावा है, ना कोई खर्चा है, ना आडंबर है, फिर वह उसका विकास और विकसित क्यों नहीं है? और दुनिया भारत के जो गौतम बुद्ध थे वह होने के बावजूद भी आज तमाम देशों कंट्रियों के अंदर गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार ज़्यादा है जबकि भारत में क्यों नहीं है, वह भी हमें बताएं। अब वो ऐसा हमें पूरे ऐतिहासिक कालखंड में देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ जो बुद्धिज्म या बौद्ध परंपरा को नुकसान हुआ वो उसके समानांतर जो दूसरी हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मण परंपरा थी जो स्मृतियों और पुराणों पर आधारित परंपरा थी उसका जब प्रभाव बढ़ा तो एक परिस्थितियाँ कुछ वैसी बनी जिसमें जो बौद्ध परंपरा है उसको बहुत समूल नष्ट करने की कोशिश की गई। तो इतिहास हमें बताता है कि ये जो है जो खास करके वैदिक ब्राह्मण परंपरा का जब प्रभाव बढ़ा इस देश में तो बुद्धिज़्म को बहुत बुरी तरह कुचलने की कोशिश की गई और एक स्टेज में इस तरह से उसको नष्ट कर दिया गया कि वो भारत के तराई क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में तो जीवित रहा लेकिन बाकी के भारत से वो मैदानी इलाके से गायब हो गया, यद्यपि उसका दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो बाबा साहब के बाद का जो फेज है वो बदलाव का फेज है। इतिहास में हमेशा हम देखते हैं उतार चढ़ाव आता रहा है, ये भी उसी का हिस्सा है। तो बाबा साहब के बाद एक तरह का बुद्धिज्म का पुनर्जागरण हुआ है और इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ये पहली बार इतिहास में हुआ जब एक जो धम्म क्रांति है वो फिर से जीवित होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है। बहुजन आंदोलन भी उसी का एक हिस्सा है। जिस बहुजन आंदोलन को आप देश में कोने कोने
देख रहे हैं उसकी जड़ें बुद्धिज्म में है, बौद्ध भारत में है, और समता स्वतंत्रता न्याय पर आधारित जो भारत रहा है उसमें है बहुजन आंदोलन की जड़ें। तो ये बहुजन आंदोलन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है ये बताता है कि आने वाला कल बेहतर होगा और जो जो चीज़ें बिगड़ी हैं वो ठीक होंगी। आपने बताया कि जो बुद्ध की चीज़ें थी उनको बिगाड़ने का, ख़त्म करने का, इस नष्ट करने का लगातार कोशिश कवायद की गई, लेकिन क्या कारण है जो सरकारें इस तरह के कार्य करती हैं, मौजूदा सरकारें जो इस तरह के कार्य करती हैं, जबकि धरोहर को, राष्ट्रीय धरोहर को सामने रखना नैतिक जिम्मेवारी होती है सरकारों की, उसके बावजूद भी इतिहास के पन्नों पर या इतिहास की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ और उनको हानि पहुँचाने का कार्य क्यों किया इन मौजूदा सरकारों ने? सरकारों का, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो हमें साइंटिफिक अप्रोच करना पड़ेगा। तो सरकारें ये नहीं चाहती, लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसाए रखना चाहती हैं, अनपढ़ और गंवार बनाए रखना चाहती हैं ताकि उनकी सत्ता कायम रहे, वोट बैंक कायम रहे और भोली भाली जनता को गुमराह कर सकें। यदि हम वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति को अपनाएंगे उसका मतलब है कि हम बौद्ध परंपरा और उसको आत्मसात करना पड़ेगा हमें, और जैसे ही हम बुद्धिवादी धर्म को अपनाते हैं, बौद्धिक और विज्ञान की बात करने लगते हैं, जैसा कि आपने खुद कहा कि भगवान बुद्ध सबसे बड़े दुनिया के वैज्ञानिक थे, तो हम उस परंपरा को अडॉप्ट करेंगे तो जो जितनी तरह की ये जो गुमराह करने वाली चीज़ें हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का धंधा है, अंधविश्वास और कर्मकांड के नाम पर जो लोगों को ठगने का धंधा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए जो सत्ताधारी लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह से वो जो है अम्बेडकरवाद फैले या बुद्धिज़्म की बात हो या लोग साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, तो इसलिए वो जानबूझ करके इसको प्लान वे बल्कि जानबूझ करके और बल्कि सुनियोजित तरीके से ये चाहते हैं कि ये जो पुरानी व्यवस्था यही बनी रहे। इसीलिए वो कभी गाय के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लोगों को बदगलाते रहते हैं। कैसे बन पाएगा बाबा साहब के सपनों का भारत, क्योंकि बाबा साहब के भारत में सब धर्म सब जाति के लोग रहते थे और उसमें सब धर्म के लिए कार्य भी किया जाता था, जबकि बहुजन का खुद का नारा बदल गया, बीएसपी का खुद का नारा बदल गया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा था, लेकिन अब जन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा हो गया है, तो क्या बसपा सरकार आती है तो बाबा साहब और गौतम बुद्ध का भारत बन पाएगा? ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक तरह की गलत फहमी में है, खास करके बहुजन और सर्वजन के कॉन्सेप्ट में। मैं आपसे कहता हूँ या मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुजन का भारत है, जो बहुजन का कॉन्सेप्ट है, भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की उसमें, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में उसमें कोई अंतर नहीं है, शब्दों का फेर है, समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से हमने अपने नारे गढ़े, अपनी शब्दावली बदली और अपना आंदोलन को आगे बढ़ाया। जैसे आपको मैं बताऊं, क्या भगवान बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में सभी जाति धर्म के लोग नहीं थे? क्या ब्राह्मण श्रमण साथ में नहीं थे? क्या वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र लोग नहीं थे? भगवान बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में वो बहुसंख्यक आबादी थी जो सभी धर्म और जाति के लोग थे। अब जब हमने आरंभिक तौर पर अपने आंदोलन को खड़ा करने के लिए जो बहुजन का कॉन्सेप्ट साहब कांसीराम जी लेकर के आए, तो उनका उस बहुसंख्यक आबादी से था जो ऐतिहासिक कालखंडों में हजारों साल से सबसे ज़्यादा दलित, शोषित और पीड़ित रहा है। और शोषण और पीड़न का, दमन का शिकार कौन रहा है? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग। तो उनको हमने बहुजन की फिलासफी के तहत एक बैनर तले संगठन बनाने की कोशिश की, और उस बैनर तले हमने इकट्ठा किया, जागृति पैदा की, और जब हमने एक जागृति पैदा कर ली तो स्वाभाविक है कि हमारा दायरा वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का, जो हम लोग ने शुरुआत में जो आंदोलन उनको खड़ा करने की कोशिश की, उनको नेतृत्व दिया, उसको हमने सर्वजन में तब्दील किया। तो उस सर्वजन में भी जैसे बहुजन, भगवान बुद्ध के बहुजन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जाति और धर्म के लोग थे, सर्वजन में भी इस देश में रहने वाला हर नागरिक उसका हिस्सा है। तो हम सबके कल्याण की बात करते हैं और मानव कल्याण की बात करते हैं और इस देश और समाज के कल्याण की बात करते हैं। इसी नारे के फलीभूत होने पर ही इस देश के नागरिकों का भला होगा, इस देश की उन्नति होगी, आप हम सबकी तरक्की का रास्ता यहीं से खुलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।